चलते टीवी शो के दौरान दुनिया छोड़ गए ये 6 स्टार्स। पहली की मौत पर तो खूब रोए सलमान। भारत में लोगों को टीवी देखने का बड़ा शौक है। इसका नतीजा ये है कि इन टीवी पर आने वाले शो और उसमें काम करने वाले कलाकार काफी फेमस हो जाते हैं। कई बार तो इन कलाकारों की वैल्यू बॉलीवुड सितारों से भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि कई बॉलीवुड सितारे भी अपनी फिल्में प्रमोट करने टीवी पर ही आते हैं। टीवी पर इन दिनों सीरियल्स, डेली सोप ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। इन शो को रोजाना देखते देखते इनमें आने वाले कलाकार एक तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इनका चेहरे हमारे दिल और दिमाग में बस जाता है। लेकिन कई बार इन टीवी कलाकारों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आया जब इन्हें शो के बीच में ही इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना पड़ गया। आज हम आपको कुछ ऐसे ही टीवी स्टारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो चलते टीवी शो के बीच ही स्वर्ग सिद्धार गए। रीमा लागू बॉलीवुड की फेवरेट माँ। रीमा लागू ने कई हिट फिल्मों में काम किया है, खासकर कि वे 90 के दशक में अपने माँ वाले किरदार के लिए खूब जानी जाती थी। उनकी जोड़ी बॉलीवुड में सलमान खान की माँ के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने टीवी में भी काम किया है। उनका सीरियल श्रीमान जी श्रीमती जी काफी पॉपुलर हुआ था। रीमा अपने अंतिम दिनों में नामकरण टीवी शो में काम कर रही थी। इस बीच एक दिन उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कवि कुमार आजाद को हम सभी डॉक्टर हंसराज झाथी के नाम से अच्छे से जानते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से घर घर पहचान बनाने वाले कवि कुमार का निधन 9 जुलाई 2018 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। उनके निधन की खबर से पूरे देश में दुख का माहौल था और कई लोगों को इस दुखद पर यकीन नहीं हो रहा था। रुबीना शेरगिल मिसेज कौशिक की 5 बहुएं नाम के सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाली रुबीना शेरगिल का निधन मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। दरअसल उन्हें इस सीरियल की पार्टी के दौरान अस्थमा का अटैक आ गया था। बताते चले कि रुबीना इसमें सिमरन का किरदार निभा रही थी। अरिजीत लवानिया और गगन कंग महाकाली शो में देवराज इंद्रा की भूमिका निभा रहे गगन कंग एवं नंदी का रोल कर रहे अरिजीत लवानिया का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। ये एक्सीडेंट तब हुआ था जब ये दोनों कलाकार उमरगांव से शो की शूटिंग कर मुंबई लौट रहे थे। नफीसा जोसेफ मात्र 26 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली नफीसा जोसेफ फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स तथा म्यूजिक चैनल एमर टीवी की जॉकी रह चुकी थी। उनकी मौत की वजह खुदकुशी थी। ये घटना साल 2004 की है।